हो 10 क्षेत्रीय परिषद बनाई जाए, जो भी जो गुट है उसको लेकर अब उन्होंने जो सुझाव दिया दो दो एक का, अब इन सरकार तमाम पहलुओं पे बात कर रही है मणिपुर को लेकर। किसी ने मुझे भी फोन किया था, उसने कहा था प्रतीक एक समय ऐसा था नॉर्थ ईस्ट में कि एक ही गेटवे हुआ करता था जहां से मणिपुर जाने का रास्ता था, आज मणिपुर में कई जगहों से जा सकते हैं आप, तो रोड अच्छी हुई है, ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले तो नॉर्थ ईस्ट से इतनी बढ़िया खबरें आ रही थी, एकदम से क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट चलने लगा। ये सब तमाम सारे रीजंस हैं, मैं पार्लियामेंट में जब बहस होगी इस पर तो बहुत चर्चा आएगी तो मैं सुनूंगा, लेकिन जो लोग बाकी आए हैं जो अपनी बात कहने, मैं उनसे एक छोटा सा बातचीत करके कांग्रेस के पास आया, वो तो आप लोग तो मणिपुर पहुंच गए हैं ना। जी 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 जी, हाँ आपने हाथ उठाया था, क्या नाम है आपका जी? सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आया, 10 दिन से आ रहा था यहाँ पे और आज बहुत कॉन्फिडेंस से कुछ लिख के लाया हूँ, आप अगर मौका देंगे तो हम आपको। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार से आऊँ, अखिलेश सिंह नाम है मेरा। बहुत अच्छा अखिलेश जी, कितना छोटा है या बड़ा है, याद है? छोटा सा एकदम। कविता विता है क्या? एकदम कविता है। अरे रुको, कविता रुको, कविता वेट कर सकती है, कविता कैन वेट, कविता वेट कर सकती है। मुद्दों पे आएंगे फटाफट, वेरी वेरी क्विक, वेरी क्विक आऊंगा, जल्दी आऊंगा, छोटा छोटा बोलेंगे आज सारे लोग। प्रतीक जी, बार बार कहने के बाद, बार बार चेताने के बाद प्रधानमंत्री जी के कान पर जू नहीं रह गई है, अभी तक भी शांति की अपील नहीं की गई है मणिपुर के मामले पर। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मणिपुर को जानबूझकर जलने दिया जा रहा है? और आज फिर संज्ञान लेते हुए विपक्षी सांसद जो है कि वो गए हैं मणिपुर कि वहाँ की यथास्थिति क्या है, वहाँ पर क्या माहौल है, वो जानने के लिए हमारे सांसद गए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा और मोदी जी का धृतराष्ट्र का चरित्र जो है वो जनता देख। मैं आया आपके पास भी आऊंगा, जरूर आऊंगा, आज आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, जिनके मन में बात हो वो जरूर कहें। कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? जी जी जी, 93 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, 93 में जम्मू कश्मीर में जो हुआ, तब ये विपक्षी पार्टियां कहां थी? वो एक भी कोई नहीं गया था, वहां हिंदुओं को भगाया जा रहा था, गिरिजा टिक्कू वाला का काम। और राजस्थान और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते ये लोग? राजस्थान की बात क्यों नहीं करते, ये बात बंगाल की क्यों नहीं करते? जी बाबूजी, कहां से आना हुआ? सर मैं नोएडा से आया हूं। नोएडा से आए, क्या नाम है साहब आपका? डीके तिवारी। डीके तिवारी जी, जल्दी तो बोलिए डीके तिवारी जी। सर पश्चिम बंगाल पे तो कांग्रेस नहीं गई सर, पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? उनका मन है, नहीं बोलते वो, बात कह दिया, नहीं बोलते, नहीं बोलते सर, मन से ही होगा, मन से थोड़ी ना चलता है वो। हाँ जी, ममता जी से डरती है कांग्रेस? ना 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 ना, अरे कांग्रेस से तो निकल के ममता जी बनी है तो कैसे डरेगी। मैं आया इधर से, कोई हाथ उठा रहा था, रुकिए भाई जी। जनाब, हम जनता कुछ बोलते हैं तो कोई भी टपट देता है कि अमर्यादित भाषा है। ये संसद 8 रोज से ठप पड़ा है, ये जाकर अंदर डोगी की तरह चिल्लाने लगते हैं, और इसका पैसा कौन भरता है? हम भरते हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये 32 जमुड़े होंगे, ये इस पर जवाब क्यों नहीं देते? ये राजस्थान की बात नहीं करते, मणिपुर के मणिपुर दिन रात करते। इन सभी सांसदों का पेंशन और पेमेंट ये सारा काट के मोदी को देश में लगा देना था। इन सारे लोगों का पेंशन, पाजी धराओ, इन सारे लोगों का पेंशन, इन सारे लोगों के भत्ते यानी सांसदों के काट के मोदी जी को देश में लगा देना चाहिए। तुम अच्छा पेड़ पर चढ़े हो आज बेटा है। जी बीजेपी, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और फिर से वही पॉलिटिकल अरीना ये लेकर आज मणिपुर में चले गए, और मणिपुर में जाकर जो ऑलरेडी जल रहा था उसको फिर से पूरा दोबारा जलाने के लिए ये कांग्रेस और INDIA वहां पहुंच गए नमक छिड़कने के लिए, क्योंकि इनको ये मालूम था कि जब इस घर को जल रहा था तो उसको हम लोग संभाल रहे थे उसे वापस लाने के लिए, तो इन लोगों ने कोशिश करी कि अब राहुल गांधी जी गए तो उन्होंने जलाया वापस, अब ये चले गए हैं। पर ये जैसे अनुराग जी ने कहा कि हम वापस जब भी आएंगे तो पूछेंगे क्या पश्चिम बंगाल जाने की हिम्मत है। आया आया बेटा आया। हाँ जी हाँ जी, राहुल गांधी के पास